हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो किसी भी क्रिकेट के टॉपिक पे नहीं है या किसी सनातन धर्म के प्रति नहीं है, ये वीडियो खुद के प्रति है, मेरे खुद के पर्सनल वीडियो है भाई। अगर आपको किसानों के प्रति थोड़ी सी भी रुचि है, थोड़ी सी भी भाई दिलचस्पी है किसानों की समस्या को जानने के लिए, तो ये वीडियो देखना, वरना वीडियो छोड़ देना। और अगर आपको किसानों के बारे में भाई दिलचस्पी है, किसानों के बारे में थोड़ा सी भी सोचते हो कि किसान है तो कल है, तो इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। कल इस टाइम पे 4 से 5 बजे के बीच में इतनी भयंकर हवा चली, इतनी भयंकर ओले बरसे हैं और ऐसा ही पानी आया है कि किसान के गेहूँ, चने, मक्की, जो भी भाई सूखी फसलें रहती हैं, सारी खराब हो गई हैं। और उनको ना तो मुआवजा मिलेगा, मुझे पता है कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना मुआवजा मिलेगा, ना फसल की भरपाई हो पाएगी। पहले से ही कर्ज लेके रखे हैं लोगों ने, वो कर्ज भी नहीं दिए जाएंगे और कर्जदार उनके घर आएंगे। और फिर जब किसान आंदोलन की बात करता है, आंदोलन पे बैठने की बात करता है, तो उनको टीवी पे फर्जी किसान, नकली किसान बता दिया जाता है, और जो फसल उगाता है उनको असली किसान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किसान सिर्फ एक है, ना नकली किसान है ना असली किसान है, अपनी तकलीफ अपन को ही झेलना है। इसलिए कोई भाई आंदोलन कर रहे हैं, और कोई भाइयों पे घर की, परिवार की जिम्मेदारी के कारण उनको जबरन फसल उगाना पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपने कर्जे देने रहते हैं, कुछ लोगों के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां रहती है जो कि उनको खुद ही पूरा करना। जैसे एक घर में एक ही भाई है जो अपने घर के लिए कमाता है, फसल उगाता है, सब कुछ सारे काम अकेला कर सकता है, वो तो भाई नहीं जा सकता दिल्ली। लेकिन जो गए उनको गलत मत बोलो, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और ये वीडियो किसी भी नेतागिरी के पर्पज से नहीं है, किसी भी नेता, मैं सिर्फ एक किसान हूँ और किसान के बारे में बात करने आया हूँ। इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, अगर मैं मेरे ही खेत की बात करता हूँ, मेरे ही खेत की वीडियो बनाऊँ कि कितना नुकसान हुआ है, तो वीडियो 15 से 20 मिनट की हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, बोलूँ नहीं दिखाऊँ, सोचो कितना नुकसान हुआ है। किसान 3 से 4 महीने इस फसल के लिए परेशान होता है, पैसे लगाता है, और आखिरी में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। चलो भाव मिल जाए तो अलग बात होती है कि भाई उपज कम मिली है तो भाव अच्छा मिल जाए, लेकिन भाव थोड़ा भी बढ़ गया, थोड़ा भी गेहूँ अगर 25-26 से 50 रुपए भी हो गए ना, तो ये करोड़पति नंगे होकर रोड पे आ जाएंगे, रोने लग जाएंगे, गेहूँ का भाव बढ़ गया, हम आटा कैसे खाएंगे, ये वो। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाए, अब जिसकी औकात है वही तो गाड़ी चलाएगा, ये भूखे नंगे लोग गाड़ियाँ चलाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये वही लोग हैं जो फसल का भाव थोड़ा सा बढ़ने पर नंगे हो जाते हैं। तो तुम चाहते क्या हो कि किसान वहीं का वहीं अटका रहे, किसान कभी आगे ना बढ़े, किसान हमेशा भूखा मरे, किसान बड़े लोगों से हमेशा कर्ज लेता रहे, बैंकों से कर्ज लेता रहे, और कर्ज ना दे पाए तो किसान फांसी लगा के मर जाए? यही चाहते हो? बड़े लोग यही चाहते हैं कि किसान कभी आगे ना बढ़े, क्योंकि किसान आगे बढ़ गया तो उसकी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा, और बैंक कैसे चलेगी, बड़े बड़े सेठों के घर कैसे चलेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि किसान को उसका हक मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है किसान, बोलते नहीं है किसान, नेता लोग बोल देते हैं मुँह की बातें, नौकरी वाले बोल देते हैं, किसान बोल नहीं पाता इज्जत के कारण, क्योंकि उनको अपने घर की इज्जत, अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, जिसके कारण किसान फांसी तक लगा लेता है। लेकिन लोग हजार हजार करोड़ का कर्जा करके देश से भाग जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। जब किसान थोड़ा सा कर्जा बैंक से ले लेता है, उसके घर बार बार नोटिस जाता है भाई, बार बार नोटिस जाता है, जब तक जाएगा जब तक कोई मजबूर किसान फांसी नहीं लगा लेगा। और जो हजार करोड़ लाखों करोड़ के कर्जे लेते हैं, उनके कर्जे भी माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान का 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख का कर्जा भी माफ़ नहीं किया जाता है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, जो भी सिस्टम में, मैं तो किसी से गुजारिश करने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि मालूम है किसान की बात कोई सुनता ही नहीं है। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा सभी के, हमारे खरगोन बड़वानी क्षेत्र में, तो सुनने वाला कोई नहीं है किसान की। बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर सुनने वाला कौन है, किसको सुनाए हम? बस खुद की बात है जो निकल गई आज वीडियो के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, कुछ मत करना सिर्फ शेयर कर देना, किसान की बात दूर तक जानी चाहिए।
जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।